अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे सोया चंक्स की बिरयानी, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है इस तरह से। तो सबसे पहले 2 कप सोया चंक्स आप ले लें, उसको आप इस तरह से गर्म पानी में आधे से 1 घंटे के लिए आप भिगो के रख दें। उससे ये होगा कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और इनमें जो थोड़ी सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इनको डायरेक्टली बॉयल कर सकते हैं, आपको पहले से भिगोने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आप ये करें कि जो सोया चंक्स इस तरह से मैं पानी में भिगो के रखे थे, उनका पानी आप इस तरह से हाथों की मदद से निचोड़ के, तो आप उनको कढ़ाई में शामिल करें, उसमें पानी डालें और उनको आप नमक और अगर हो सके तो ये डिपेंड करता है कि आपको अपनी बिरयानी का जो कलर है वो किस तरह से चाहिए। आप इसको नमक और हल्दी डाल के बॉयल कर सकते हैं, या फिर नमक और जो गर्म मसाले का पाउडर है वो डाल के बॉयल कर सकते हैं। उससे ये होता है कि इसकी जो स्मेल है वो मुकम्मल तौर से ख़त्म हो जाती है। हल्की सी इसमें एक स्मेल होती है जो कि ख़त्म हो जाती है जब आप इसको इस तरीके से पकाते हैं। उसके बाद आप एक काम करें कि आप एक कढ़ाई लें, उसमें आप प्याज शामिल करें 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के, 1/3 कप आप उसमें ऑलिव ऑयल डालें और उनको आप गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। उसके बाद इसमें से जो थोड़े से प्याज है वो आप उनको निकाल के साइड पे रख लें। वो प्याज जो है हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे, या एंड पे जब दम देना होता है तो आप वो प्याज ऊपर डाल के दम दे सकते हैं इस तरह से। यानी गार्निश के लिए आपको अलग से प्याज फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बर्तन यूज़ भी नहीं होंगे आपके। और फिर प्याज़ों को एक तरफ आप कर लें। उसके बाद इसमें जो गर्म मसाले जैसे कि ग्रीन जो इलायची है 6 अदद वो इसमें मैंने शामिल किया है, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल लें, 1 टीस्पून आप इसमें जो ज़ीरा होता है वो शामिल कर लें और थोड़ा सा उसकी बुनाई करें। उसके बाद हम उसमें पानी डालें ताकि प्याज जो अपना कलर छोड़ दें। उसके बाद हमें यहाँ पे जो जिंजर और गार्लिक की पेस्ट है वह इसमें शामिल किया मैंने 1 टेबल स्पून। यहाँ पे हम अपने जो मसाले साथ हैं वो शामिल करते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी डाली है, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून इसमें हमें चाहिए सूखे धनिया का पाउडर। और अच्छे से आप इस तरह इसकी बुनाई कर लें। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालें ताकि पानी डाल के इसकी अच्छे से बुनाई करें ताकि मिर्चों का जो कच्चा पान है वो ख़त्म हो जाए इस तरह से। यहाँ पे मैंने जो गरम मसाले का पाउडर 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है, और जो दही है उसको आप फेंट के अच्छे से फेंट के 1 कप वो इसमें डाल लें। उसके बाद ये जो सोया चंक्स हमने इस तरह से बॉईल किए थे, उनका जो आप एक्सेस पानी है अच्छे से हाथों की मदद से दबा के आप निकाल लें और वो इसमें डाल के मसाले में अच्छे से आप इसकी बुनाई कर लें। ताकि जो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून 2 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है, और बिरयानी एसेंस या केवड़ा एसेंस वो आप इसमें डाल लें चंद कतरे, और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। और इसमें आपने जो रोज़ वाटर है 3 टेबलस्पून वो भी शामिल करना है। ये जो है सोया चंक्स, इनका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, इसको खुद से फ्लेवर देना होता है। तो वो आप जिस तरह का फ्लेवर आपको पसंद है आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। ग्रीन मिर्चें यहाँ पर शामिल की है 3 से 4 अदद, बस इस तरह इसको दम दे के आप पकाएं हल्की आंच पर कवर करके, ताकि जो मसालों का असर है वो ये जो सोया चंक्स है उनके अंदर चला जाए, यानी सोया चंक्स का जो फीका बना वो ख़त्म हो जाए।
और उसके बाद उसका पानी आपने खुश्क कर लेना है। और यहाँ पे जो चावल है, मैंने जैसे कि 2 कप सोया चंक्स थे और चावल थे मेरे 1 ग्लास, उनको मैंने बॉईल कर लिया था इस तरह से। 2 कनी चावल आप बॉईल कर लें और जिस कढ़ाई में आपने मसाला बनाया उसमें से आप सारा मसाला निकाल लें, और नीचे आपने 1 लेयर जो उबले हुए चावल हैं उनकी लगानी है, बीच में जो सारे सोया चंक्स का जो मसाला है वो आप डाल लें। और उसके बाद जो है एंड पे ऊपर आपने वापस से जो चावल आपने आधे रखे होंगे, आधे तो आपने नीचे डाल लिए और उसकी बेस तैयार की, आधे चावल आपने ऊपर जो है एंड पे वो ये जो है सोया चंक्स उनको कवर कर देना उससे। नीचे सोया चंक्स इस वजह से, ये जो मसाला होता है सबसे बेस पे, इस वजह से नहीं रखते क्योंकि मसाला जो है जब आप दम देते हैं तो पूरा वो जलने का रिस्क होता है, तो इस वजह से नीचे आप चावल बिछाएं फिर बीच में पूरा मसाला रखें ताकि चावलों में भी जो है वो असर हो जाए आपके जो मसाले का। और एंड पे इस तरह से चावल ऊपर आप बिछा दें जो आपके बच गए हैं और इसको गार्निश करें। जो प्याज हमने इस तरह से सेपरेट किए थे उसके साथ, और थोड़े से आप पुदीने के पत्ते इसमें जो डाल लें, धनिया डाल लें, अगर आप चाहें तो आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और लेमन जूस मैंने इसमें जो है डाला था तकरीबन 3 to 4 tablespoons, क्योंकि नॉर्मली जो लेमन जूस है उसको जब आप मसाला बना रहे होते हैं उसमें यूज़ करना होता है, लेकिन वो मैं डालना भूल गई थी तो इस वजह से मैंने फिर उसको एंड पे इस तरह से 3 से 4 चम्मच लेमन जूस आप इस तरह से डाल दें। इससे जो बिरयानी है बहुत ज़्यादा मज़ेदार खट्टी खट्टी तैयार होती है। उसके बाद दम इसको दिया था मैंने तकरीबन तवे के ऊपर, आप इसको दम दें ताकि नीचे से आपकी बिरयानी जले ना, बिल्कुल हल्की आँच होनी चाहिए, आधे घंटे के लिए आप इसको दम दे दें। और इस तरह से हल्के हाथों से आप पूरी जो बिरयानी है उसको मिक्स करें ताकि जो चावल है और मसाला वो अच्छे से इस तरह से मिक्स हो जाए, और आप इसको सर्व कर सकते हैं रायते के साथ जो भी आपको पसंद है इस तरह से। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार इस तरह से ये जो बिरयानी हमारी तैयार हुई है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखें, और ये वेजिटेरियन बिरयानी ट्राई करके कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।